हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अपने टारगेट बैच नीट और जेईई 2021 की, यानी जो हमारा टारगेट है एक साल के बाद जो हमारा जेईई या नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसे ध्यान में रखते हुए, उसे टारगेट बनाते हुए स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल की वीडियो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए स्टूडेंट किसी कारणवश। अब हम कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट की वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के पास में सही समय से पहुंचती रहें। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और बच्चों मैं आपको याद दिला देता हूं कि कल की क्लास में यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर की, हम लोगों ने बात की है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर रूल्स क्या क्या हैं, बहुत सारे रूल्स, लगभग 5 से 6 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए। उसके बाद मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ करना सिखाया स्टूडेंट, कि किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, यानी किसी भी नंबर को छोटा कैसे किया जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया स्टूडेंट। ओके, उम्मीद है कि वो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है बच्चों, जरा ये देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट कि ये जो राउंड ऑफ की कंडीशन, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़े हैं, इन्हें हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, यानी जो बेसिक कैलकुलेशन अलजेब्रा है हमारे पास में, किसी नंबर को जोड़ना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, समझ आ रही है बात? ये जो बेसिक काम हमारे पास में फिजिक्स में आता है, इन रूल्स को वहां हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम लोगों को जानना है। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूल हमारे पास में है क्या। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में स्टूडेंट लिखिए, एलजेब्रा इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करने जा रहे हैं एलजेब्रा की, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो रूल्स हैं उन्हें हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए और आप लोगों को समझना है। पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ तक जो हमने आपको पढ़ाया है बच्चों, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। देखो मतलब मैं जो मेरा टारगेट है यार, सही मायने में बताऊं, और आप लोगों का भी टारगेट यही होना चाहिए, मेरा टारगेट ये है कि हर एक लेक्चर आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो, बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल ना हो। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि ये लगभग 15 जून तक हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को परमिशन मिल जाएगी, ठीक है? नहीं तो 15 जून तक का थोड़ा सा पीरियड हमारा ये ऐसा रहेगा, डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। आफ्टर 15 जून हमारा जो टारगेट का काम है वो बड़ा प्रॉपरली चलेगा, बड़ा सिस्टमैटिकली चलेगा। तो 15 दिन आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? चलिए फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि इन 15 दिनों के अंदर भी आपको एक बड़ा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। देखिए स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, अभी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के। बच्चों सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, कि भाई हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल ये कहता है बच्चों कि जब आप दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे या दो नंबर को आप आपस में माइनस करेंगे, जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम प्लेसेस होंगे, बिल्कुल उतने ही प्लेसेस आपके आंसर के अंदर होने चाहिए। जैसे कि आप मेरी बात को समझिएगा, बड़ा आसान काम है, जैसे कि 2.11 प्लस 3.1214। देखो यार मुझे इन्हें ऐड करना है, मुझे उम्मीद है कि एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहां डेसिमल के बाद में दो नंबर हैं, 1 और 1, यहां डेसिमल के बाद में 4 नंबर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि डेसिमल के बाद कम नंबर कहाँ है। हम कहेंगे यार डेसिमल के बाद कम नंबर यहां है और यहां सिर्फ 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं, इन दोनों नंबर को ना आपस में जोड़ देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद में हम इसे 2 तक राउंड ऑफ कर देंगे, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे बच्चों।
पहले हम लोग इसे ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, और देखते हैं कि ऐड करके यानी इन दोनों को जोड़कर क्या आंसर हमारे सामने आने वाला है। आने वाला है 5.2314, ये हमारे पास में आने वाला है 5.2314। अब आप देखिए डेसिमल के बाद में दो प्लेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद में फोर प्लेस हैं स्टूडेंट, ठीक है। हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके कहाँ तक छोड़ना है, जब तक डेसिमल के बाद में दो प्लेस नहीं आ जाते हैं। जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम प्लेसेस हैं, बिल्कुल उतने ही प्लेसेस आपके आंसर में होने चाहिए। अब देखते हैं, चलिए रूल अप्लाई करते हैं। भाई राउंड ऑफ करने का रूल क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, ये नंबर क्या है, 4 less than of 5, 5 से छोटा है, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ये बन जाएगा 5.231। अब देखिए लास्ट नंबर क्या है, 1, ये भी 5 से छोटा है, इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, 1 को भी हटा देंगे, हमारे पास में बचेगा 5.23। अब आप बताइए बच्चों क्या आंसर बचा हमारे पास में, 5.23, दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इस नंबर में डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं, आंसर में भी डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है स्टूडेंट। आइए मैं एक और एग्जाम्पल इसमें आप लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जरा समझिएगा बच्चों गौर के साथ। भाई दूसरा एग्जाम्पल है 5.101, एक नंबर तो हमारे पास में ये है, दूसरा नंबर है हमारे पास में 2.1, सिर्फ और सिर्फ 2.1। इन दोनों नंबर को हमें आपस में ऐड करना है। देखो मैं तो एक बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एडिशन के लिए तो कोई भी कंडीशन आपके सामने हो सकती है बच्चों, कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो सकती है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, रूल आपको यही अप्लाई करना है। भाई दो नंबर है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 3, 1, 0, 1, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, ओनली 1। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं, और देखते हैं कि ऐड करके क्या आएगा, 7.201। देखो स्टूडेंट कि जब हमने इन्हें ऐड किया तो डेसिमल के बाद में तीन प्लेसेस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। रूल के मुताबिक जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम प्लेसेस होंगे, बिल्कुल उतना ही आंसर में होना चाहिए, यानी यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 3 नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अब राउंड ऑफ का रूल अप्लाई करते हैं, 1 5 से छोटा है, हटा देते हैं, आंसर बन जाएगा हमारे पास में 7.20। अब आप देखिए ये क्या है, 0, 5 से छोटा है, यहाँ से हटा देते हैं, ये बनेगा हमारे पास में 7.2। सो द फाइनल आंसर इज 7.2, ये हमारा आंसर होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये, एक ये। अब मुझे बता दीजिए कि आप लोग समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, क्लियरली अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जब दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को आप आपस में जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, उन्हें आप लोग माइनस करेंगे, तो उस कंडीशन में डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जिस नंबर में कम नंबर होंगे, उतने ही नंबर आंसर में होने चाहिए जो आपको राउंड ऑफ करके करने हैं बच्चों। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, देखिए एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो यार ध्यान से समझना, 1.4141 प्लस 2.51 प्लस 2.7। देखो भाई तीन नंबर हैं हमारे पास में, 1.4141, यहाँ है 2.51 और यहाँ है 2.7, तीन चीज़ें हैं हमारे, तीन नंबर हैं हमारे पास में, हमें इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है। जब इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड किया जाएगा स्टूडेंट, जब जो बात मैंने बताई है वो बिल्कुल गांठ बांध लेनी है उस बात की, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 है, तो चारों को ऐड करो और डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर ही आपको छोड़ना है, वहां तक उसे राउंड ऑफ कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आइए करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा भाई हमारे पास में। चलिए जब इन्हें हम लोग ऐड करेंगे तो 2, 2 एंड 1, सो दिस इज 5, 4, 5, कितना हो गया है, 9, ओके 9 और 7, ये हो चुका है भैया हमारे पास में 16। सो ये बन जाएगा हमारे पास में 6 की कंडीशन आएगी, यहाँ 5 नहीं आएगा यार, 1.4141,
यहाँ है हमारे पास में 2.7, यहाँ है 2.51, 1, 4, यहाँ बनेगा भाई हमारे पास में 2, ये बनेगा 7 and 4, 11 और 5, 6, ठीक है, और ये बनेगा 6.6241, ठीक है। ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में बनेगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। राउंड ऑफ कर दीजिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर तक, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है। डेसिमल के बाद यहीं पर सिर्फ एक डिजिट है। जब हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 624। अब ये 4 भी 5 से छोटा है, ये 2 भी 5 से छोटा है, सो फाइनल आंसर इज 6.6। दिस इज अ फाइनल आंसर स्टूडेंट। अब देखो यार, यही काम तो हमें एडिशन में करना है और बिल्कुल यही काम हमें सब्ट्रैक्शन में करना है। ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग रूल है, यही रूल है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो मैं कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट यहां लिख रहा हूं आपके सामने, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आसान ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये यूज़फुल नहीं है। 1.41, 2.571, इसका बताइएगा। सेकेंड है 672 माइनस 5.1, देखो माइनस है बीच में, डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। एक क्वेश्चन में इन दोनों का मिक्स दे रहा हूँ स्टूडेंट, मिक्स ये है 2.512 प्लस 1.4 माइनस 2.71, ठीक है। आपको बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। ये तीन क्वेश्चन हैं यार आप लोगों के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर करने हैं, आप लोग कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। रूल मैंने आपको बता दिया है, तीनों का आंसर मेरे पास में सेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है स्टूडेंट हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की हम लोग बात करेंगे बच्चों, और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल क्या है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल की बात हो गई है स्टूडेंट, और अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की। देखिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एन आंसर कंटेन्स नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज्ड इन द ऑपरेशन, ठीक है। आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है, अगर बिल्कुल इजी वर्ड्स में हम इनकी बात करें ना स्टूडेंट, तो इजी वर्ड में मतलब यह है बच्चों कहने का, अगर हम इजी वर्ड में बात करें, मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट यहां पर, कि अगर दो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 2.3 into 1.414, समझिएगा मेरी बात को बिल्कुल गौर के साथ, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक और एक दो, यहां दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक दो तीन चार, यहां चार सिग्निफिकेंट फिगर है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यानी अगर आप दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, उस फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाले नंबर में थे। यानी यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में 2.3 and 1.414। देखो यार, मल्टीप्लाई तो तुम कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि भी नहीं कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। राउंड ऑफ करने का रूल भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई राउंड ऑफ करने के तीन चार रूल हैं, मतलब तीन रूल्स हैं हमारे पास में। पाँच से छोटा है तो हटा देंगे, पाँच से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे, पाँच है तो इवन है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट, उन्हीं रूल्स का आप लोगों को यूज करना है। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता भी क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ करके दो तक उसे छोड़ देना है। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसा करना है स्टूडेंट आपको, ठीक है। अब आप इनकी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैंने लिख दिया कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करके आता है 2.6714, ठीक है, ये आता है इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आया, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो,
यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चार। अब देखो यहां कितने सिग्निफिकेंट, कैसे इसे राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट, इसमें भी दो ही छोड़ने हैं हम लोगों को, इतना छोटा कर देना है नंबर को कि सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये क्या है, फोर, पांच से छोटा है हटा देते हैं। ये क्या है, वन, पांच से छोटा है हटा देते हैं। ये आया 2.67, अभी तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, एक दो तीन, और छोटा करते हैं। ये क्या है, सेवन, पांच से बड़ा है, इसे हटाकर अगले वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर इज 2.7, यहां दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे बच्चों, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये हमारा काम करने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल आप लोग इसके ऊपर देखिए, और क्या एग्जाम्पल इसके ऊपर बन सकता है, देखो जरा स्टूडेंट भाई, जैसे कि यह है 1.4, यहां है हमारे पास में 2.51, ओके स्टूडेंट, यहां है 3.1414 इंटू 2.81761, भाई बहुत बड़ा नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया स्टूडेंट, कि भाई ये मेरे पास में कोई तीन चार नंबर है, यहां पर मुझे बताना है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। देखो यार अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो, एक दो, यहां कितने हैं, तीन, यहां कितने हैं, पांच, यहां कितने हैं, छह, ठीक है, इसमें दो सिग्निफिकेंट है, इसमें तीन है, इसमें पांच है, इसमें छह है, मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, बहुत अच्छे से आती होगी, इन सब की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे राउंड ऑफ करो, और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने हैं आपको, सिर्फ दो, क्योंकि इस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इस नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मल्टीप्लाई करके दो तक ही आपको छोड़ना है, इससे आगे नहीं जाना है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है। देखो एडिशन का रूल मैंने आपको बता दिया, प्लस और माइनस करने का एक रूल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का एक रूल है, प्लस और माइनस करने का रूल मैंने आपको बता दिया है कि भाई जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम प्लेसेस तक वैल्यू होंगी, बिल्कुल उतने ही प्लेसेस तक वैल्यू आंसर में होनी चाहिए, और यहां क्या है, जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए। यह आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करिए, डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मार्जिन बनाकर अपनी कॉपी में आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, डिवीजन का रूल क्या है, प्लस और माइनस करने का रूल क्या है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देता हूं, इसके ऊपर आराम से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग इसे। अच्छा बिल्कुल यही रूल स्टूडेंट हमारा डिवीजन में होने वाला है, सेम, देखो लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन रूल, जैसे 2.614 अपॉन 1.7, बताओ ऊपर वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चार, नीचे वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो, बताओ है या नहीं है, ऊपर वाले में चार है, नीचे वाले में दो है, डिवाइड करो, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, छोटा कर लेना, राउंड ऑफ कर लेना उसे, राउंड ऑफ करके दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आप लोग बना देंगे स्टूडेंट, ऐसे हम काम करेंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी है तो मैं हूं यहां पर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करिए। जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, जो हमारे टारगेट बैच के अंदर एनरोल हैं, ठीक है, अगर होमवर्क आप लोग मेरे पास में नहीं भेजेंगे तो मैं फिर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और आप लोग देख लें। इस बैच के अंदर पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका रिस्पॉन्स। मेरे पास में सिर्फ एक या दो स्टूडेंट का अभी तक रिस्पॉन्स आ पा रहा है, तो मैं अगर दो दिन तक आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको इनएक्टिव कर दिया जाएगा बैच के अंदर से। प्रॉपरली अपना होमवर्क भेजना स्टार्ट करिए जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और हमसे पूछिए कि सर ये बात कैसे होगी। मतलब मैंने कहा ना कि हर एक एस्पेक्ट में हम लोग आप लोगों के साथ हैं बच्चों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है, होमवर्क प्रॉपरली मेरे पास में सेंड करनी है, ठीक है। ओके चलिए, अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट रोल की। देखिए आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर पूरी एक डीपीपी है बच्चों, दिख रही है आप लोगों को स्टूडेंट, पूरी एक डीपीपी है, पूरी डेली प्रैक्टिस शीट है आपके सामने, इसे आप लोग को सॉल्व करना है। ये पूरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर है, डाउट नहीं बचेगा एक भी। कितने 20 हैं, 20 के 20 आप लोगों को सॉल्व करने हैं, बिल्कुल ध्यान से। मैंने सब्ट्रैक्शन देखो, जैसे पहला नंबर है 35.6 दिख रहा है ना, 56.27 डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो जो आंसर आएगा ना बच्चों उसमें डेसिमल के बाद में एक ही नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन आपके पास में रहेगी। तो पूरी डीपीपी है, एक एक क्वेश्चन इसका अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए और मेरे पास में सेंड करिए, ठीक है। एक मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से पॉज करके नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन है बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया रूल, मैंने आप लोगों को सिखाए हैं कि भाई डेसिमल के बाद जिसमें कम नंबर होंगे उतने ही नंबर आपके आंसर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर हैं, यहाँ डेसिमल के बाद चार है, तो आंसर जब इनका जोड़ेंगे ना तो डेसिमल के बाद तीन ही होने चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक एक कंडीशन नोट डाउन करिए और सेंड करिए मेरे पास में। लो भैया, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कंडीशन है, कुछ एडिशन भी है इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बताया है ना, ये उसकी कंडीशन है। उम्मीद है कि क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार आप लोगों के लिए, लो ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा सभी लोगों को। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए, देखो मैं बता देता हूं, जैसे ये है 0.9 मल्टीप्लाई 0.08, यहां एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी एक है, ये भी एक है, क्योंकि स्टार्टिंग की जीरो काउंट नहीं करते ना हम लोग, बताया था मैंने आप लोगों को। तो इनके अंदर ना जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, गड़बड़ नहीं बिल्कुल भी। पहले वाली जो डीपीपी थी वो प्लस और माइनस को लेकर थी, ये जो डीपीपी है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर है बच्चों, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क है भाई, करना है सॉल्व, ईमानदारी से करिएगा थोड़ा सा, ओके। चलिए आज की क्लास बस हमारी यही ओवर होती है बच्चों, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। कल की क्लास में आप लोगों का स्टार्टिंग में एक छोटा सा टेस्ट होगा बच्चों, ठीक है, 10 नंबर का एक टेस्ट होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, धीरे धीरे रूटीन पर हमारा काम आ जाएगा बच्चों। जब आप लोगों ने हयात को चुना है ना अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी के लिए, फिर आंख मूंद कर हमारे ऊपर फेथ करिए, विश्वास करिए, चिंता मत करिए, सब काम आप लोगों का अच्छा होगा, कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है।